लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 4 मार्च 2018 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सारांश। और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारांश है। विभिन्न तरह के समाचार पत्रों को पढ़ने के बाद इसको हमारी टीम के द्वारा तैयार किया जाता है। यदि आपको चाहिए इसकी PDF तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, elivestudyco.in पर डाउनलोड टैब में आपको इसकी PDF भी उपलब्ध है। स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स है, मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में कितने देवी देवताओं शिरकत करेंगे। देखिए, 216 देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है तो बहुत बड़ी बात होती है। हिमाचल प्रदेश से छोटे से राज्य में यहाँ पे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले बनाए जाते हैं। यहाँ से हमने देखना होता है कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए निकल कर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, 4 मार्च 2019 यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इसका उद्घाटन करेंगे और आप सभी स्टूडेंट्स को शिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद भी है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और इस वर्ष भोलेनाथ जी की कृपा से आप सबको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। देखिए, इस मेले की एक परंपरा है, काफ़ी लंबे समय से परंपरा चली हुई है। इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है और समापन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम ऐसे इस तरह से पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं स्टूडेंट्स को कि आप प्रीलिमरी के साथ में ही मेन तथा इंटरव्यू की तैयारी भी कर लें। तो जो संस्कृति वाला पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के फैक्ट भी हमारे काम आते हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा जो राजदेवता है माधव राव और आराध्या देव भूतनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद एक जलेब निकाली जाती है और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का शुभारंभ किया जाता है। स्टूडेंट्स, एक बार एक एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में पंचवत्रा मंदिर कहाँ पे, तो मंडी जिला में ही था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको दो प्रश्न दिए, आपको प्रश्न इस तरह से आ जाए कि माधव राव तथा देव भूतनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, तो उसका उत्तर क्या होगा, मंडी जिला में है। और स्टूडेंट्स, अब इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे, जैसे भूतनाथ जी का मंदिर है तो यहाँ पर किस देवता की पूजा की जाती है, तो आपने याद रखना है यहाँ पर भोलेनाथ जी की ही पूजा की जाती है। चौथा करंट अफेयर्स है स्टूडेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं, स्टूडेंट्स ये जो घुमारवीं है कहाँ पे पड़ता है, बिलासपुर ज़िला में पड़ता है। यहाँ के एक प्रगतिशील बागवान है जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका नाम आपने बताना है और ये काफ़ी फेमस किसान है। इन्होंने क्या किया है, जो गर्म इलाका है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर जो सेब की फसल के लिए एक नई किस्म तैयार की और विभिन्न तरह के राज्यों में हिमाचल से बाहर भी इनका काफ़ी नाम है, ख्याति प्राप्त। और अब देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट, लेकिन कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और स्टूडेंट्स, पांचवा करंट अफेयर्स निकल कर आया है, प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कितने नए ट्राउट कृषि इकाइयों के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। तो आपने याद रखना है कितने बनाने जा रही है प्रदेश सरकार, इस बार 100 नए यूनिट खोलेगी जिसमें क्या होगा, ट्राउट मछली का उत्पादन किया जाएगा। छठा करंट अफेयर है, राज्य चुनाव आयोग आगामी लोकसभा के लिए अनुमानित कितने करोड़ रुपए खर्च करेगा। आपको ज्ञात ही होगा कि दुनिया का जो सबसे महंगा चुनाव होता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का माना जाता है, लेकिन भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पे भी चुनाव बहुत खर्चीला हो गया है। यदि हम लोग बात करें कि हिमाचल प्रदेश से छोटे से राज्य की, तो यहाँ पर आप देखिए करीब 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 73 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च होने वाला है लोकसभा के चुनावों में, जो कि 16वीं लोकसभा का कार्यकाल मई में ख़त्म हो जाएगा और 17वीं नई लोकसभा का चुनाव होगा। ये आंकड़े भी आपने याद रखने हैं। अब स्टूडेंट्स, बारी है नेशनल करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ें। तो सबसे पहला है यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर्स में, भारतीय अमेरिकी मूल की किस महिला को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष और सचिव नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है मेधा नार्वेकर। अक्सर अलाइड में इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है और शीघ्र ही 7 अप्रैल को आपने इसका एग्ज़ाम भी देना है। तो स्टूडेंट्स, इन करंट अफेयर्स को, और मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स उसमें कवर कर लेंगे। किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति शुरू हुआ? तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसको नाम क्या दिया गया है, संप्रति। भारत के किस स्टार पहलवान द्वारा बुल्गारिया डॉन कोलोब निकोला टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? इनका नाम है, काफ़ी स्टार पहलवान है भारत के, बजरंग पुनिया, और इन्होंने समर्पित किया है जो हमारे विंग कमांडर थे अभिनंदन, जिन्हें पाकिस्तान में उनका MiG-21 क्रैश होकर गिरा था, वहाँ से सही सलामत हमारी कंट्री में पहुँच चुके हैं। इनको इन्होंने अपना ये पदक समर्पित किया है। तो आपने याद रखना है, बजरंग पुनिया ने हाल ही में एक स्वर्ण पदक जीता है।
अगला करंट अफेयर स्टूडेंट्स बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है हमारे हिमाचल प्रदेश में, जो एनटी का पेपर होता है उसमें इस तरह का प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है। तो प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में बेटियों की पढ़ाई को प्रोत्साहन करने के लिए स्नातक तक पढ़ने वाले हर बेटी को कितने रुपये राशि दी जाएगी। देखिए एक अच्छी स्कीम वहाँ पर चलाई है बेटियों की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री है और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। तो कितनी राशि दी जाएगी, 15,000 रुपये दी जाएगी यदि कोई बेटी ग्रेजुएशन वहाँ से कर लेती है। मिसाइल सिस्टम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मिसाइल सिस्टम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है DRDO के चेयरमैन सतीश रेड्डी। और स्टूडेंट्स लास्ट में मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाली परीक्षाओं में जो ये लास्ट सबसे अंतिम स्लाइड आप लोग देख पा रहे हैं, सुर्खियों में व्यक्तित्व, चाहे कोई भी परीक्षा हम लोग ले उसमें एक प्रश्न इस तरह का जरूर आता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज़ जो जो लोग सुर्खियों में होंगे उसमें से आपके लिए एक प्रश्न निकाल के इस तरह सा लेकर आऊँ। इस बार आज के करंट अफेयर्स में लेकर आया हूँ पाकिस्तान के विदेश मंत्री, देखिए इनका नाम क्या है, शाह महमूद कुरैशी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका नाम है इमरान खान। यदि अमेरिकी सीनेटर की बात करें बर्नी सैंडर्स, काफ़ी फेमस है, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। अभी उन्होंने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि आप ऐसा राष्ट्रपति ना चुने जो कि देश को हमारे काफ़ी पीछे ले जाए। यदि विंग कमांडर की बात करें तो अभिनंदन काफ़ी समय से सुर्खियों में है, जो कि वायुसेना में एक पायलट है। यदि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें जो कि जेल में है, उनका नाम क्या है, नवाज शरीफ है। और भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, बिपिन रावत जी है, काफ़ी सुर्खियों में है आजकल। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो आपको ज्ञात ही होगा क्या नाम है उनका, डोनाल्ड ट्रंप है। नासा क्या है, अमेरिका का अंतरिक्ष संगठन है जिसका फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस। और स्टैंड आतंकी संगठन के सरंगना है मसूद अजहर, जिन्हें वैश्विक आतंकी घोषित करने की जोर शोरों से भारत की वैश्विक पटलों पे चली हुई है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा यदि आप लोग अपनी तैयारी को और भी तेज़ करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट elitestudyco.in और हमारा यूट्यूब चैनल elitestudy, हर समय आपको विभिन्न तरह की परीक्षाओं से संबंधित गाइडलाइंस, बुक्सों का चुनाव कैसे करें, करंट अफेयर्स, GK सीरीज, जितना हम लोगों से हो पाता है वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूं आने वाली किसी भी परीक्षा में आप लोग जा रहे हो तो पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स जरूर पढ़ लें। तो हमारी वेबसाइट पर आपको मिलेंगे जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक एक वर्ष के करंट अफेयर्स। तो आप वेबसाइट पर जाइए और 99 रुपीज में एक PDF है, दूसरी 120 में, उसको परचेज कर लें ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सके। और स्टूडेंट्स दूसरी एडवाइस हम ये करते हैं कि आप जिस बैठने जा रहे हैं उस परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़े। तो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलते हैं TGT आर्ट्स के, क्लर्क के और अलाइड सर्विसेज के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये जो नई कोशिश मैंने की आपको कैसी लग रही है, क्या इसमें सुधार करना है, आपकी मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elitestudy यूट्यूब चैनल।